नमस्कार, मैं मनु सिंह। आज हम विवश का क्वेश्चन लेंगे, जिसमें हम गुंडा एक्ट के बारे में जानेंगे मिस्टर शेष कुमार सिंह सीनियर एडवोकेट से। उसके पहले हम आपको बता दें कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एक स्ट्रांग डेमोक्रेसी बनाने के लिए आपको लॉ की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कम से कम आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज की, क्योंकि एक हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए आपको लॉ की नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए सर के पास चलते हैं, गुंडा एक्ट के बारे में जानते हैं। सर, ये गुंडा एक्ट क्या चीज है? ऐसा हमारे एक व्यूअर्स ने पूछा था जी कि सर, एक केस में 2-3 FIR NCR की हो गई है जी, और पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट लगा दिया है जी। तो उनके सवाल का जवाब मुझको देना है जी। गैंगस्टर एक्ट या एंटी सोशल एक्ट UP में लागू है 1986 से जी, ठीक है जी। ये इसमें गैंगस्टर एक्ट के लिए जरूरी है जी, जिसको आप गुंडा कहते हो, लीडर ऑफ टीम होना चाहिए जी, लीडर ऑफ गैंग जिसको कहते हैं जी। और उसके विरुद्ध कई तरह के इस तरह के गंभीर अपराध हो, जैसे 153 में है ना जी, जिसमें धार्मिक दंगा फसाद होने का डर हो जी, है ना जी, जिसमें ऐसे कई अपराध हों, धर्म से संबंधित अपराध जी, अश्लील प्रकाशन जी, है ना जी, और जैसे चैप्टर 15 से लेकर है ना और 17 तक के अपराध जो हैं, उसके बारे में उसके विरुद्ध अपराध हो, मुकदमा दर्ज हो, आर्म्स एक्ट में उसको सजा मिल गई हो कम से कम 2-3 केस में जी। चैप्टर 15 से लेकर चैप्टर 17 तक, 17 तक जी, है ना, आर्म्स एक्ट में सजा हो चुकी है 2-3। हाँ, 2-3 ये आर्म्स एक्ट में 25, 26, 27 आर्म्स एक्ट में 12-25 में जो कट्टा सट्टा लेके चलते हैं, हथियार लेके चलते हैं लोग जी जी, है ना जी। तो ऐसा केस उसके पार हुआ हो जी, वो पद स्त्रियों के विरुद्ध उसका उसके विरुद्ध मुकदमा हो, कम से कम 2-3 में आर्म्स एक्ट में उसको कन्विक्शन हो गया जी, तभी गुंडा एक्ट लगाया जा सकता है जी। और ये कर्नाटक में भी कई सरकारों ने इसको पास किया है अलग अलग तरह से, लेकिन ये मामूली FIR या ऐसी मारपीट पे किसी खिलाफ गुंडा एक्ट नहीं लगता है। जो मेरे व्यूअर्स ने पूछा है, मैं उसको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये तमाम गंभीर अपराध जो करते हैं, जिसका मैंने अभी विवरण दिया है जी, कम से कम आर्म्स एक्ट में उसको सजा रख हुई हो, जो जेब में रख के चलते हैं अवैध हथियार वगैरह, है ना जी, स्त्रियों के विरुद्ध को तमाम सामाजिक अपराध किया हो उसने जी, जी, है ना, धर्म से संबंधित जिस विवाद पैदा हो, जो गैंग चलाता हो वही गैंगस्टर हो सकता है जी। तो ये एंटी सोशल एक्ट है जो UP में पास हुआ, कई जगह पास हुआ, तो उसी को गुंडा भी लोग कहते हैं, गुंडा एक्ट नहीं, तो इसका इसका नाम असली नाम गुंडा एक्ट नहीं, वो एंटी सोशल एक्ट है जी, है ना जी, वो 1986 में पास हुआ जी, है ना जी, बाद में उसको गुंडा एक्ट से उसको अलग अलग लोग उसको आमतौर पर गुंडा एक्ट लोग जानते हैं जी, है ना जी। मतलब इसमें जो है, जो व्यूअर्स का क्वेश्चन था कि कोई उनके खिलाफ, हाँ, मामूली मारपीट का कोई विवाद है, एक दो मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज है, उसी आधार पर पुलिस ने उनके खिलाफ गुंडा एक्ट लगा दिया, तो वो सब खत्म हो जाएगा उसकी कोई। इसमें क्या वो जमीन कब्जा उब्जा का भी कुछ होता है? हाँ, जमीन संबंधित भी ऐसे जो जो गैंग चला के लोग कब्जा दिलाते हैं, संपत्ति से संबंधित अपराध जो करता है गैंग बना के, तो वो भी गैंगस्टर एक्ट, मतलब पहले बार में कोई गैंगस्टर एक्ट नहीं लगा सकता, नहीं, जो लगातार हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं तभी उनके खिलाफ ऐसा, मतलब जो नामचीन गुंडे होते हैं तब ऐसे अपराध करने लगते हैं, नामी हो जाते हैं, तरह तरह का अपराध, विभिन्न तरह का अपराध करते हैं और एंटी सोशल हो जाते हैं, गैर सामाजिक, समाज के विरुद्ध काम करते हैं जी, तो उनके खिलाफ फिर गुंडा एक्ट लगता है जी। तो उसमें जो है धाराएं वही सब पूरा लगती हैं जी जी। हाँ, तो ये तो मामूली विवाद पे कहीं एक दो केस में कहीं कोई फंसा हो, बहुत पहले से एक ये क्वेश्चन आया हुआ था जी जी, तो हम जवाब नहीं बहुत दे दिन पा बाद जी जी, तो उनको समझ लेना चाहिए कि उनके केस में कोई गुंडा एक्ट नहीं बनता है, सब अपने आप खारिज हो जाएगा जी, है ना जी। कोई पुलिस अगर इलीगल काम करती है तो कोर्ट में जाके वो फिनिश हो जाता जी, कोई वैल्यू नहीं, मान जबरदस्ती अगर लगा जाए कोई, कहाँ, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं, ऐसा कर सकती है पुलिस अपने बचत में, या कहीं कोई जाति में कर ही देता है, कोई पॉलिटिकल उसमें बना देते हैं लोग, है ना जी। तो जो कानून के फंडे में नहीं आता वो कोर्ट में जाके खत्म हो जाता है, उससे डरने की जरूरत है जी।
मतलब ये उनके ऊपर गुंडा एक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और गुंडा एक्ट के बारे में भी सर ने बताया हमें। जी। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और लॉ की नॉलेज रखना चालू कर दीजिए। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं फिर तो आप रखेंगे ही, आप लॉयर हैं फिर भी आप रखेंगे, अगर आप नॉर्मल पीपल हैं मेरी तरीके से तो भी आपको लॉ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। रोज़ मुझे सर कुछ ना कुछ लॉ की अच्छी नॉलेज देते हैं और वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, और हमारी हम सोसाइटी को स्ट्रांग करने के लिए ये रेवोल्यूशन है, समझ लीजिए कि लोगों तक लॉ की नॉलेज पहुंच जाए, ताकि कोई ठगा ना जाए कहीं पे, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो। कोशिश करते हैं, हमारी छोटी सी कोशिश है, और उसको कामयाब बनाने की जिम्मेदारी आप लोगों पर है। आप जितना ज़्यादा इसको शेयर करें, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बी सेफ।